अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज एक और न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी हाँ नाज़रीन, आज मैं ये जो होम रेमेडी आपके लिए लेकर आया हूँ ना, इससे आप अपना वेट चंद ही दिनों में बहुत ज़्यादा लूज़ कर सकते हो। ठीक है, बढ़ता हुआ वज़न बीमारियों का घर होता है। ठीक है नाज़रीन, ये जिसका वज़न होता है ना, ये वही बंदा जानता है कि वो कितनी तकलीफ़ में होता है। तो अगर आप इन तकलीफ़ से परेशान हैं तो आपने क्या करना है, तकरीबन एक अदद खीरा ने तकरीबन 7 दिन आपने इसे इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तकरीबन 2 लेमन, ठीक है 2 लेमन लें, और आपने करना क्या है कि ये जो खीरा है, कुकुम्बर है, इसका आपने जूस निकाल लेना है, थोड़ा थोड़ा काट कर। ठीक है, इसका आपने जूस निकाल कर, ठीक है, और बीच में आपने ये लेमन ऐड कर देना है निचोड़ कर ऊपर। ठीक है, और सुबह निहार पेट आपने ये पीना है। ठीक है, तो नाज़रीन आपका जो वो जूस है कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इंशाल्लाह ताला इससे आपका चंद ही दिनों में वेट लूज़ हो जाएगा। यकीन जाने, मोटापा तो बीमारियों का घर होता है। अब आप लोग चाहते हैं, मर्द हज़रा चाहते हैं कि उनका जो आला तनासल है वो लंबा हो, मोटा हो, ठीक है, लेकिन मोटाई की वजह से इंसान का जब पेट बाहर निकल आता है, उसकी थाई बढ़ जाती है, तो जो उसका आला तनासल होता है वो अंदर की तरफ धंस जाता है। ठीक है, और फिर दवाइयाँ लेते फिरते हैं। भाई, जब तक आप अपने पेट को नहीं घटाओगे, ठीक है, अपनी थाई को नहीं कम करोगे, तो अब तो आपका आला तनासल लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका चंद ही दिनों में जो पेट है वो कम हो जाएगा, और ये पीने में कोई इतना बुरा नहीं होता, इसे इस्तेमाल करें। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।